हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये इस टॉपिक से हटके होगा। पहली बात ये कि लगातार ये तीन वीडियो मैंने, मतलब ये नहीं, इससे पहले एक दो वीडियो, उसके पहले के पहले एक वीडियो, मतलब टोटल तीन वीडियोज़ अभी तक मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की डाली है। उनका मैं सब सुन के बहुत प्रभावित होता हूँ और ये मुझे बहुत फैक्चुअली करेक्ट लगता है। तो मैं सोचता हूँ मैं एक मीडियम मानता हूँ इस चीज़ को आगे स्प्रेड करने का, क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में दबा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को मिसलीड किया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं सुन के ही अगर मैं वही चीज़ रिपीट कर दूंगा तो वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन मैं डायरेक्टली डाल दूंगा तो, क्योंकि इनकी थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, क्योंकि इनका खुद का चैनल है तो लोग जानते हैं तो और सुनना चाहेंगे, और इनकी वर्ड्स में, इनकी बातों में ऐसा लगता है कि हाँ बैठे रहो सुनते रहो। मैं उतना बोलूँगा शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मोटिव नहीं होता है कि मैं हेट स्प्रेड करूँ और या फिर गलत वर्ड्स, गलत भाषा, गलत इंटेंशन से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, और फिर पुष्पेंद्र की या फिर मेरी या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो मुझे लगता है कि देश को जानने की ज़रूरत है या उस चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है जनता को या किसी भी अथॉरिटी को, वो पूछता रहूँगा, वो वीडियो डालता रहूँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर ले। तो अब बात करते हैं रमज़ान और रमदान की। ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं, लोगों को बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लोगों को लगता है कि एक अरब से आया, ऑब्वियसली रमदान वर्ड अरब से ही आया है और रमज़ान हम लोग यहाँ बोलते हैं। लेकिन मैंने जब विकिपीडिया के तो उसमें रोमानियन लिखा था, रमज़ान वर्ड रोमानियन लिखा था, और भी बहुत रमथान और ऐसे कुछ और लिखा था। तो जब अगर रोमानियन फॉलो करने से अच्छा तो आप अरब का ही फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है। और इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से होके ही आती हैं, सब कुछ ऐसा वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ से फ़ंड आता है गरीब मुसलमानों के लिए। बस ये कि कुछ लोग जाकिर नायक जैसे कुछ लोग वहाँ के फ़ंड को कन्वर्ट करके अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, वो मुद्दा अलग है। जो वर्ड है मतलब एक है, वर्ड अलग है, लेकिन ये मुद्दा मैंने क्यों उठाया, ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि मैंने ट्विटर पर देखा तारिक फ़तेह, उनको भी सब जानते होंगे, गौहर खान को आप सब जानते हैं, इंडियन एक्टर्स हैं। तो अब इन दोनों में बहस हो गई थी कि रमज़ान है या रमज़ान है, तो इनका ये ट्वीट देख के कुछ समझ जाइए कि रमज़ान है कि रमज़ान है। दोनों वर्ड्स में जो भी डिफरेंस है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मीनिंग सेम ही है, ओरिजिनेशन चाहे कहीं का भी हो। तो अब मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई मेजर डिफरेंस है? मुझे नहीं लगता, जितनी मैंने रिसर्च की कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लगता, और मेरे बताने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुसलमानों को पता ही होगा और नॉन मुस्लिम्स उतना जान के क्या करेंगे जब उनको ये चीज़ फॉलो ही नहीं करनी। कॉन्ट्रडिक्शन है तो कमेंट कर दे, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बता सकता है, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो, कुछ मिस कोट किया हो तो मुझे बता सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।